नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन और विटामिन से भरपूर रोस्टेड पोहा नमकीन। ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है और ये बिना तेल के ही तैयार हो जाती है। गैस ऑन कर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें हाफ टी स्पून घी ऐड करेंगे और उसमें मूंगफली दाना को हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर साथ में इसे भी रोस्ट कर लेंगे। आप इन्हें बिना हाफ टीस्पून घी के भी रोस्ट कर सकते हैं। ये हमारे रोस्ट हो गए हैं अच्छे से। अब हम पोहे को बिना घी के ही रोस्ट करेंगे। हमें बस ये ट्रिक्स अपनानी है कि पोहा हमारा लो फ्लेम पर ही क्रिस्पी होगा और हमें गैस की फ्लेम लो ही रखनी है और इसे धीरे धीरे चलाते हुए रोस्ट करना है। हमारा पोहा क्रिस्पी हो जाएगा इस तरह से, और ये जो हम पोहे को तलते हैं उससे भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। अब हम चारों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे बर्तन में डालकर। ये हमारा मूंगफली दाना, पोहा, करी पत्ता रोस्ट हो गया है, मखाने रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें एक बाउल चना दाल नमकीन ऐड करेंगे, ये मैंने पहले से ही बना कर रख ली थी। इन्हें मिक्स कर लेंगे। मैंने मखाने पोहे के साथ ही रोस्ट कर लिए थे, अलग से करेंगे तो वो थोड़ा जलने का डर रहता है बिना तेल के। और पोहे के साथ अगर आप रोस्ट करोगे तो मखाने अच्छे से बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं। अब हम 2 बाउल भुने हुए चने ऐड करेंगे, ये मैंने छिलके समेत ही ऐड कर लिए हैं। आप इनका छिलका निकाल कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छिलके सहित ऐड करेंगे तो ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 1 बाउल हम बेसन के सेव ऐड करेंगे, ये भी मैंने पहले से बना कर रख लिए थे। आप ये किसी किराना दुकान से भी ले सकते हैं, भुने हुए चने, सेव, जो भी चीज़ें आप लेना चाहते हैं। लेकिन घर पर बनी हुई चीज़ें ज़्यादा शुद्ध होती है और अच्छी भी बनती हैं, तो सेहत के लिए भी अच्छी रहती हैं। नमकीन में आप बादाम, किशमिश, काजू आदि और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ड्राई फ्रूट्स में मखाने ऐड किए हैं। अब हम 2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपनी सुविधानुसार या स्वादानुसार नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। अब 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड कर लेंगे। इन सब सामग्रियों को अच्छे से, मसाले को भी मिक्स कर लेंगे। इसे पूरी नमकीन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ये 1/2 kg पोहे की नमकीन बनाई है। आप अपनी सुविधा अनुसार क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। हमने जो इसमें भुने हुए चने ऐड किए हैं, तो भुने हुए चने हमारी दिमाग की शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाते हैं और हमारी पाचन शक्ति को भी दुरुस्त करते हैं। ये विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। हमने जो इसमें चना दाल ऐड की है, चना दाल डायबिटीज और पीलिया रोग को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। मखाने जो हमने इसमें रोस्ट किए हुए मखाने ऐड किए हैं, मखाने
हार्ट अटैक को भी कम करते हैं, तनाव को कम करते हैं, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करते हैं। तो मखाने में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पोहा, जो हमने पोहा की ये नमकीन बना रहे हैं, पोहा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, तो ये मोटापे को घटाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते में प्रोटीन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C आदि पोषक तत्व होते हैं। तो ये हमारी आयरन और फोलिक एसिड होता है, ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मूंगफली दाना में ओमेगा 6 भरपूर मात्रा में होता है। तो ये सब चीज़ें जो हमने पोहे में ऐड करी हैं बहुत ही फायदेमंद है सेहत के लिए। तो आप इस नमकीन को अगर एक बार बनाओगे तो इसे बार बार बनाने का आपका मन करेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।